सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर आपको कुछ प्रूफ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मैंने अपना एक वीडियो यहाँ पर कंपेन भी लगाया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर साइड में दोस्तों देख सकते हो, जैसे मैं यूट्यूब पर यहाँ पर लिख रहा हूँ व्यूज कैसे बढ़ाएं, दोस्तों आप देख सकते हो मेरा वीडियो यहाँ पर सर्च में टॉप पे शो कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप साथ में देख सकते हो कि ऐड लगा हुआ है, ठीक है, कंपेन हमने लगा रखा है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप लिखोगे कि चैनल मोनेटाइज कैसे करें, तब भी दोस्तों आपको यहाँ पर देख सकते हो मेरा वीडियो यहाँ पर शो कर रहा है। चैनल वेरीफाई कैसे करें, इस कीवर्ड पर भी यहाँ पर शो कर रहा है। सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, इस कीवर्ड पर भी शो कर रहा है। मतलब सारे कीवर्ड पर मैंने अपने वीडियो को रैंक कराया है। इसी तरीके से दोस्तों आप भी अपने वीडियो को किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पे रैंक करा सकते हो एडवर्ड का यूज करके। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिल्कुल न्यू यूट्यूबर हो, अगर आपके वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे, लोग आपके वीडियो को नहीं देख रहे, यूट्यूब आपकी वीडियो को प्रमोट नहीं कर रहा, आपकी वीडियो की रीच नहीं बढ़ रही है, तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर है दोस्तों आपके लिए गूगल एडवर्ड। एडवर्ड का यूज करके दोस्तों आप बहुत ही कम पैसे में अच्छा खासा व्यूज ले सकते हो, अपने चैनल की रीच को भी बढ़ा सकते हो। एडवर्ड आपकी वीडियो को यूट्यूब पर इतना ज्यादा रिकमेंड करता है, स्पेसिफिक कीवर्ड पर रैंक कराता है, सर्च लिस्ट में आपकी वीडियो को भेजता है, जो लोग भी आपका कीवर्ड सर्च करेंगे आपकी वीडियो ऊपर शो करेगा और वहां पर क्लिक करके लोग आपकी वीडियो को देखेंगे। अगर आपने अच्छा इंफॉर्मेशन दे रखा है तो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मतलब यहां पर आपको जेन्युइन व्यूज मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, एडवर्ड का यूज सिर्फ छोटे यूट्यूबर ही नहीं करते दोस्तों, यहां पर बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल भी यूज करते हैं। यहां पर टी सीरीज जैसे चैनल और भी बड़े-बड़े यूट्यूब चैनल है जो कि इसका यूज करके, एडवर्ड का यूज करके अपने वीडियो को प्रमोट करते हैं और करोड़ों व्यूज एक दिन में ले लेते हैं। यहां दोस्तों अगर आप बिल्कुल न्यू यूट्यूबर है तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, थोड़ा सा पैसा खर्च करके दोस्तों आप एक अच्छा खासा व्यूज ले सकते हो। और किस तरीके से अपनी वीडियो को आप रैंक कराओगे ताकि सर्च करने में सबसे ऊपर आपकी वीडियो शो करे, सब कुछ दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूं। इस वीडियो का पूरा कंप्लीट देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पहले विजिट किए हो या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज जो भी आपको प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ, ये सारा प्रोसेस आप अपने मोबाइल फोन में भी कर सकते हो। आप चाहो तो मोबाइल फोन में भी कर सकते हो, चाहो तो अपने लैपटॉप में भी कर सकते हो, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से आपको कंपेन लगाना है, किस तरीके से आप अगर कंपेन लगाते हो तो आपके पैसे बहुत ही कम लगेंगे, सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। पूरा ए टू जेड आप सीखने वाले हो गूगल एडवर्ड के बारे में, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन में अपना क्रोम ब्राउजर खोल लीजिएगा, वहाँ पर आप गूगल खोल लीजिएगा, ठीक है। गूगल में दोस्तों आपको वहाँ पर लिखना है गूगल एड्स, लिखना है यहाँ पर आपको जाकर लिखना है गूगल एड्स। ये लिखकर दोस्तों आप वहाँ पर सर्च कर दीजिएगा। जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर सर्च करोगे आपके सामने बहुत ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे। आपको सबसे पहला वाला जो लिंक है दोस्तों यहाँ पर आपको क्लिक करना है, तब दोस्तों आपका जो मेन ऑफिशियल इनका जो वेबसाइट है गूगल एड्स का, ये ओपन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर 20,000 रुपये आपको यहाँ पर क्रेडिट होते हैं। मतलब आपको यहाँ पर 20,000 रुपीज़ आपको खुद गूगल आपको देगा, फ्री में 20,000 देगा आपको अपना यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। बट कब मिलेगा दोस्तों, जब आप यहाँ पर 20,000 रुपया ऐड करोगे और उस 20,000 रुपये को पूरा स्पेंड करोगे, उसका ऐड चलाओगे, तब दोस्तों आपको यहाँ पर 20,000 रुपया आपको मिलता है। ये सारा प्रोसेस दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर क्लेम दिस ऑफर पर क्लिक करके आपको एक प्रमोशन कोड मिलेगा, उसी का यूज़ करेंगे दोस्तों आपको ये पैसे मिल जाएंगे। साइन इन पर क्लिक करना है और आप जिस भी ईमेल आईडी से अपना गूगल एडवर्ड आईडी बना रखे हो उस आईडी को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर आपने गूगल एड्स पर अकाउंट नहीं बना रखा होगा तो आपको यहाँ पर अकाउंट बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। आप अपने हिसाब से यहाँ पर अकाउंट भी बना सकते हो। मैं आपको सारा कुछ सिखा दूंगा कि आपको अकाउंट कैसे बनाना है। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर अपना दूसरा वाला अकाउंट ओपन करता हूँ, जहाँ पर दोस्तों मेरा पहले से गूगल एड्स का अकाउंट बना हुआ है, ठीक। अब दोस्तों आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपको यहाँ पर कंपेन लगाना है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने न्यू कंपेन, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको न्यू कंपेन पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट अ कंपेन पे। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे अब आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे, आपको यहाँ पर वीडियो पे क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपके सामने ये ऑप्शन आएगा कंटिन्यू पे क्लिक करना है, यहाँ पर पहले से सिलेक्ट होगा, आपको बस कंटिन्यू पे यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपके सामने कुछ इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा। सबसे पहले आप लिखा हो आपने कौन सा टाइप अपना कंपेन लगा रखा है, तो आप अपने वीडियो वाला कंपेन लगाओ क्योंकि आपको अपना यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करना है, ठीक है ना। अब गूगल एडवर्ड का यूज़ करके आप अपने यूट्यूब वीडियो को प्रमोट करोगे, वो भी कम पैसों में। किस तरीके से प्रमोट करोगे कि आपकी वीडियो सर्च करने पर टॉप पर आएगी, सब कुछ दोस्तों आपको बताने वाला हूँ, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। सबसे पहले आपको एक कंपेन लगाकर दिखाऊंगा जिस तरीके से आपकी वीडियो रैंक करेगी, नंबर वन पे आएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से आपको कम पैसे खर्च करने पड़ेंगे, ज़्यादा पैसा आपको ना लगे, बहुत ही कम लगेगा, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कंपेन नेम, आप अपने इस जो कंपेन बना रहे हो इस कंपेन का कोई भी नाम आप चाहो देना, तो आप यहाँ पर नाम अपने हिसाब से दे सकते हो, आपकी जो मन चाहे आप दे सकते हो। अगर आप चाहो तो अपने आपका जो भी वीडियो है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो उस वीडियो का आप टाइटल भी आप लगा सकते हो। जैसे मान लो कि मेरा ये जो वीडियो है ना इसको मैं प्रमोट करना चाहता हूँ, ठीक है, तो जो आपका इस वीडियो का टाइटल दोस्तों आप ये टाइटल भी सेम आप यहाँ पर कॉपी करके आप इसी को अपना जो कंपेन का नेम है आप नेम दे सकते हो, ताकि आप भूलो मत कि कौन सा कंपेन है ये, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। अब ये जो कंपेन नेम है दोस्तों इस नाम से कंपेन हमारा बन चुका है, आप चाहो जो भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है। तो हमारा ये कंपेन स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा यहाँ पे नीचे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ बिड स्ट्रेटजी, ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं ये क्या चीज़ है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है मैक्सिमम CPV और एक और ऑप्शन मिल जाएगा टारगेट CPM, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है मैक्सिमम CPV सिलेक्ट करना है। CPV का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कॉस्ट पर व्यू, ठीक है ना, तो बस यहाँ पर आपको इतना कर लेना है। फिर दोस्तों नीचे का यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा बजट,
आपका क्या बजट है आप ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है, एक आता है कंपेन टोटल का और एक आता है डेली। डेली आप कितना रुपया खर्च करना चाहते हो आप चाहो तो यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। मान लो कि आपको डेली 500 रुपया खर्च करना है, डेली का 500 रुपया, ठीक है, तो आप यहाँ पर डेली कर लो। या फिर हो सकता है कि आपका बजट ही 500 रुपये का हो तो आप यहाँ पर टोटल कंपेन का बजट ही 500 लगा लो। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको इसमें बहुत ढेर सारे पैसे ऐड करना होते हैं, 20,000-10,000 ऐड करना होगा, ऐसा नहीं है। आप 500 रुपये का भी ऐड कर सकते हो, 1,000 रुपये भी ऐड कर सकते हो, आप जितना चाहो उतना ऐड कर सकते हो, जितने का चाहो उतने का आप कंपनी यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो हमारा टोटल जो हमारा जो बजट है वो 500 रुपये का है, मान लो 500 रुपये हमने यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो स्टार्ट डेट लिखा है, जो आज का डेट है उस दिन से ये स्टार्ट होगा, आज से स्टार्ट होगा, और कब तक आप चलाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहते हो दोस्तों 2 दिन चला सकते हो, चाहो तो 1 हफ्ता चला सकते हो, चाहो तो 5-6 दिन चला सकते हो, ठीक है। तो हम इतने दिन का सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लो हमें 6 दिन कंपेन चलाना है, ठीक है। तो अब 500 रुपये का हमने यहाँ पर लगा रखा है, 6 दिन हमारा कंपेन चलेगा, पर डे इतना रुपया हमारा अकाउंट से कटेगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, आप यहाँ पर जितना ही कम दिन का कंपेन लगाओगे दोस्तों उतना ही ज़्यादा आपका यहाँ पर पैसा कटता है। जैसे मान लो अगर आप 1 दिन का कंपेन लगाते हो या 2 दिन का कंपेन लगाते हो तो दोस्तों आपको पर व्यूज़ का, एक व्यूज़ का आपको ज़्यादा पैसा आपको यहाँ पर देना पड़ता है। अगर आप यहाँ पर जितना ही ज़्यादा दिन का डिफरेंस करोगे उतना ही कम पैसा आपको लगता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा 500 की जगह यहाँ पर हम 1,000 रुपये अपना टोटल ऐड कर लेते हैं। मतलब अब दोस्तों हमारा जो टोटल बजट है वो 1,000 रुपये का हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पर जो दोस्तों हम क्या करेंगे, हमारा जो सिर्फ 6 दिन का कंपेन लगा हुआ था इसको हम कम से कम 10 दिन का कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर टोटल 10 दिन का कंपेन कर लिए हैं और 1,000 रुपये हमारे पास लगा है, मतलब हर एक दिन का 100 रुपये हमारा बजट हो गया, ठीक है। अब नीचे चलेंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको नेटवर्क का, आपको यहाँ पर क्लिक करना और यहाँ पर लिखा होगा वीडियो पार्टनर्स ऑन द डिस्प्ले नेटवर्क, इसको हटा देना दोस्तों, क्योंकि आपको एक टारगेटेड ऑडियंस चाहिए। आप चाहते हो कि आपका वीडियो कोई सर्च करे और आपका वीडियो सबसे टॉप पर शो करे, ठीक है। तो इस तरीके का अगर आप कंपेन लगाना चाहते हो सर्च वाले, तो दोस्तों आप इसको हटा दीजिएगा ताकि आपका जो वीडियो जो कंपेन है आपका जो वीडियो कहीं और ना शो करे, कहीं और कहीं डिस्प्ले ना हो आपका एड्स, ठीक है ना, फालतू का पैसा आपका कटेगा। तो ये हटा दीजिएगा, सिर्फ सर्च पर आपका वीडियो आएगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पर आता है एक लोकेशन, आप किस लोकेशन में अपने वीडियो को दिखाना चाहते हो। अगर आप हिंदी में वीडियो बनाते हो तो आप इंडिया टारगेट कर लीजिएगा। अगर आपका ऐसा टॉपिक है कि आप पूरे कंट्री को दिखा सकते हो तो जिस भी कंट्री का आप चाहते हो दोस्तों आप यहाँ पर क्लिक करके उस कंट्री का नेम यहाँ पर लिखोगे दोस्तों तो यहाँ पर वो सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऊपर यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, आप यहाँ पर टारगेट पर क्लिक कर दो, आप ये सिलेक्ट कर लो कंट्री को। इस तरीके से दोस्तों आप इसका यूज़ कर सकते हो लोकेशन का। फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज आपकी हिंदी में है तो इसको हिंदी रहने दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इन्वेंट्री टाइप, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर स्टैंडर्ड पहले से सिलेक्ट होगा तो इसको हटा के दोस्तों आप यहाँ पर एक्सपेंडेड इन्वेंट्री पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों, इस सबसे दोस्तों जो भी आपको बता रहा हूँ ना, इन सब चीज़ों से दोस्तों आपके पैसे जो है बहुत ही कम लगेंगे। आप बस पूरा वीडियो को एंड तक देखिए, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा किस तरीके से आपको कितने पैसे लगेंगे, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। फिर दोस्तों अब यहाँ थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे आपके सामने एक ऑप्शन मिलेगा एक्सक्लूडेड टाइप एंड लेवल्स का, ठीक है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर टिक कर लेना है और यहाँ पर टिक कर लेना है, ठीक है। और यहाँ का दोस्तों जो टिक है ना इसको हटा देना है, ये कर लेना दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम अपने वीडियो को नहीं दिखाना चाहते, अपने YouTube वीडियो में नहीं दिखाना चाहते, एम्बेडेड YouTube वीडियो के अंदर कभी भी हमारा ऐड ना है और लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस पे भी हम नहीं चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं हमारे वीडियो सिर्फ सर्च किया जाए तो वहाँ पर हमारा वीडियो आए। इससे दोस्तों आपका यहाँ का आपका काम खत्म हो गया। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको रिलेटेड वीडियोज़ का, ठीक है, इस पर क्लिक करिएगा। क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ पर रिलेटेड वीडियोस लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ लिखा है ऐड वीडियोस रिलेटेड टू योर वीडियो एड्स टू हेल्प इंक्रीज इंगेजमेंट, ठीक है। अगर आप जिस तरह का वीडियो का आप कंपेन लगा रहे हो, अगर उसी तरीके का और वीडियो आप अगर आपने बना रखा है तो उन वीडियो को आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, तो रिलेटेड वीडियो पर क्लिक कर लेना है। आप चाहो तो दोस्तों यहाँ पर 2 वीडियो ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, हमारा यहाँ पर पहले से वीडियो हमने सेलेक्ट कर रखा है, इसको कॉपी कर लीजिए दोस्तों, इसका लिंक को कॉपी करके आपको यहाँ पर आके इस पर इसको पेस्ट कर देना है। एक वीडियो दोस्तों आप देख सकते हो हमारे यहाँ पर ऐड हो गया, ठीक। इसी तरीके से दूसरा वीडियो इसको भी ऐड कर सकते हैं, जो भी अगर आप वीडियो आपके पास बना हुआ है एक्स्ट्रा, हमारे पास ये बना हुआ है उसी टॉपिक से रिलेटेड, सब्सक्राइबर से रिलेटेड, तो यहाँ पर हम इसको भी आकर पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हो हमने यहाँ पर दोनों वीडियो अपना ऐड कर दिया। अगर हमारा जो कंपेन यहाँ पर चलेगा तो उसके नीचे ये वीडियो हमारे सजेस्ट करेंगे तो और अच्छी बात है, तो हम भी यहाँ पर वीडियो अपना ऐड कर दिए, आप भी इस तरीके से ऐड कर दीजिएगा। फिर दोस्तों आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर आएगा एडिशनल सेटिंग, यहाँ पर आप क्लिक करिएगा और ध्यान से देखिएगा इस सेटिंग को। यहाँ पर लिखा है डिवाइसेस, इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि शो ऑन ऑल एलिजिबल डिवाइसेस, कंप्यूटर मोबाइल टैबलेट टीवी स्क्रीन सब पे शो करे, तो दोस्तों हम ऐसा नहीं चाहते। आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और आपको सिर्फ मोबाइल फोन पे दिखाना है, कंप्यूटर पे टैबलेट पे टीवी स्क्रीन पे इस सब पे नहीं दिखाना है। दोस्तों आपको बता दें अगर आप सिर्फ मोबाइल फोन पे अगर आप सेलेक्ट करते हो ना तो आपके पैसे कम लगेंगे, आपके दोस्तों एक व्यूज का आपका बहुत ही कम पैसा लगेगा। अगर आप कंप्यूटर पे टैबलेट पे टीवी स्क्रीन पे करते हो ना इसके ज़्यादा पैसे आपके कटते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ये सिर्फ भी आपका ज़्यादा लगेगा, इसलिए मोबाइल फोन आप सेलेक्ट करोगे तो आपके कम लगेंगे। और वैसे ही मोबाइल फोन से सारे लोग आजकल वीडियो देख ही लेते हैं। पर दूसरा यहाँ ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिवाइस मॉडल्स है और यहाँ पर नेटवर्क है, इन सब पे आपको कोई दिक्कत नहीं करना, मतलब यहाँ पे आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। फिर आपको स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन मिलेगा फ्रीक्वेंसी कैपिंग का, थोड़ा ये समझ लेते हैं क्या चीज़ है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा।
फ्रीक्वेंसी कैपिंग में दोस्तों यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि आप अपने वीडियो को कितनी बार दिखाना चाहते हैं लोगों के सामने, ये इसका मतलब होता है। आपको ध्यान से समझा देता हूँ, यहाँ पे लिखा है कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी, दूसरा है कैप व्यू फ्रीक्वेंसी। अगर आप कैप इंप्रेशन फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है आप कितनी बार अपने वीडियो को, एक बार मतलब वीडियो का जो इंप्रेशन है एक बंदे के पास कितनी बार दिखाना चाहते हो। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर एक बार करना चाहते हो कि हम चाहते हैं कि हमारी वीडियो जो है एक बार में एक बंदे को सिर्फ एक ही बार दिखे, अगर उस पर क्लिक नहीं करता है तो दोबारा उसको वीडियो ना दिखे, तो आप इस तरह के सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर डे लिखा है, अगर आप चाहते हो कि नहीं एक हफ्ते में उस बंदे को सिर्फ एक बार दिखे, हर दिन नहीं तो पर वीक कर दीजिए। अब क्या होगा दोस्तों कि आपकी वीडियो जो भी है ना, जो भी अगर आपने कंपेन लगा रखा है वो हर एक बंदे को हफ्ते में सिर्फ एक बार ही उसको शो करेगा यूट्यूब पर, ठीक है। अगर उसने क्लिक नहीं किया तो दोबारा उसको शो नहीं करेगा, फिर किसी और बंदे को शो करेगा, वो क्लिक नहीं किया फिर किसी और बंदे को शो करेगा, मतलब एक बंदा जो है वो रिपीट नहीं होगा यहाँ पर, इसका इंप्रेशन एक बार ही आपको यहाँ पर दिखेगा। दूसरा है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन कैप व्यू फ्रीक्वेंसी, अगर आप कोई बंदा है, अगर आपका जो वीडियो इंप्रेशन में, मतलब अगर आपका वीडियो शो कर रहा है, किसी बंदे ने आपकी वीडियो को क्लिक करके देख लिया, अब दोबारा आप चाहते हो कि वो बंदा हमारा वीडियो ना देखे, क्योंकि अगर उस वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया अब दोबारा सब्सक्राइब आपको करेगा नहीं, तो अगर आप चाहते हो यहाँ पर 1 लिख सकते हो। अब क्या होगा दोस्तों कि आपका वीडियो जो है सिर्फ एक बार ये वीडियो देख सकता है, कंपेन में लगा हुआ वीडियो आपका कोई बंदा जो है सिर्फ एक बार ही देख सकता है एक दिन में, तो आप चाहते हो यहाँ पर वीक कर सकते हो कि एक हफ्ते में अगर आपका कंपेन वीडियो लगा हुआ है तो कोई भी बंदा आके उसको सिर्फ एक बार ही देख सकता है, उसको बार बार नहीं देख सकता, ठीक है ना, एक बार ही दिखाएगा यूट्यूब उसको आपकी वीडियो को। यहाँ पर दोस्तों अगर आप कुछ इस तरीके से सेटिंग करते हो कि अगर आपकी वीडियो को सिर्फ एक बार ही किसी बंदे को एक बार दिखाया जाए एक हफ्ते में या फिर एक दिन में, तो इस तरीके के दोस्तों अगर आप सेटिंग करोगे तो आपका यहाँ पर बीडिंग जो है, मतलब आपका जो एक व्यूज़ का ज़्यादा पैसा आपको देना पड़ता है, जाहिर सी बात दोस्तों है, क्योंकि अपने अपने वीडियो को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर कस्टमाइज़ कर रही है अपने कंपेन को आपने, इसीलिए दोस्तों आपको यहाँ पर ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। बट अगर आप चाहते हो अगर पैसे हैं तो आप इस तरीके से लगाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा कि एक बंदे को एक बार ही दिखाओ, अगर उसको इंटरेस्ट ही नहीं है यार तो क्या फ़ायदा, बार बार ये जो कंपेन है उसी बंदे को दिखेगा और उस पर क्लिक ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर अगर आप नंबर लिख दोगे तो उतनी बार आपका कंपेन उस बंदे को दिखाया जाएगा, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर लिखा है शेड्यूल है, तो यहाँ पे ऑल डे आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, थर्ड पार्टी मेजरमेंट में आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पर। फिर दोस्तों यहाँ थोड़ा नीचे करोगे यहाँ पर आएगा ऐड ग्रुप नेम, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सेम वही जो आपने ऊपर अपना नाम दे रखा था अपने कंपेन का, वही नाम आपको यहाँ पर लिख देना है, एकदम टॉप पे जाइएगा और यहाँ पे आपने जो नाम दे रखा था ना इसी नाम को दोस्तों आप यहाँ पे कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी करके दोस्तों यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिएगा और इस वीडियो को पूरा एंड दिखेगा। मैं भी आपको बताऊंगा आप पैसे कैसे कम करोगे, क्योंकि अभी आपकी बिडिंग जो है और ज़्यादा आने वाली है, इसको कम कैसे करोगे भी आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब दोस्तों थोड़ा नीचे यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करोगे यहाँ पर आएगा डेमोग्राफिक का ऑप्शन, इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हो किस को आप अपना वीडियो दिखाना चाहते हो, जैसे जेंडर यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर एज दे रखा है, तो इतने बूढ़े लोगों को तो हम दिखाना नहीं चाहते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, तो जितने लोग को आप दिखाना चाहते हो उतना आप सिलेक्ट करो, बाकी आप छोड़ सकते हो, ठीक है। फिर दोस्तों और नीचे जाओगे यहाँ पर आएगा ऑडियंस सेगमेंट का, चाहो तो अगर आप इसमें भी चाहो तो अपने ऑडियंस को आप सिलेक्ट कर सकते हो, टारगेट कर सकते हो, किस तरह के ऑडियंस को दिखाना चाहते हो, हर टाइप आपको ऑडियंस यहाँ पर मिल जाएगी, किस तरह के सोशल मीडिया हुआ है जो भी है दोस्तों, आप इस तरह का आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, चाहो तो आप इसको भी स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो अपने हिसाब से दोस्तों आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा अगर आप करना चाहते हो, अपने फील्ड के लोगों को दिखाना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ कि भाई जितने भी लोग वीडियो देखना चाहते हैं हमारा, अगर वो इंटरनेट यूज़ करते तो हमारा वीडियो देख ले, तो आप इसको सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं यहाँ पर, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ा सा आप यहाँ से स्क्रॉल डाउन करोगे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा कीवर्ड का, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है, अगर आप जिस भी कीवर्ड में वीडियो को रैंक कराना चाहते हो दोस्तों आपको वो कीवर्ड यहाँ पर लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरा जो वीडियो है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए, तो इससे रिलेटेड जितना भी दोस्तों कीवर्ड बन सकता है आपको यहाँ पर बनाकर लिख देना है, इस तरीके से हमने पूरा कीवर्ड लिख दिया, ठीक है। इसी तरीके दोस्तों आपको कीवर्ड लिखना, उसी कीवर्ड को दोस्तों आप यहाँ पर लिखिएगा जिस कीवर्ड पर आप टारगेट करना चाहते हो, ये नहीं कि हर तरह का कीवर्ड यहाँ पर मत लिखिएगा, कोई सेम कीवर्ड लिखिएगा, सब्सक्राइबर वाला वीडियो है तो सब्सक्राइबर से रिलेटेड सारे कीवर्ड आप लिख दीजिए, आपकी वीडियो सब्सक्राइबर पर रैंक करेगी, ठीक है। इतना हो गया। फिर दोस्तों नीचे यहाँ पर एनी टॉपिक एनी प्लेसमेंट है, इसमें भी चाहो आप चेंज कर सकते हो, बट दोस्तों आप इसको छोड़ दीजिएगा और आपके और ज़्यादा पैसे लगेंगे, ठीक है। अब बारी आती है आपके कौन सी यूट्यूब वीडियो का आप प्रमोट करना चाहते हो, जिस भी वीडियो प्रमोट करना चाहते हो उस वीडियो का ओपन करो, यहाँ पर आपका लिंक दिखेगा, इसको आप यहाँ पर कॉपी कर लो, कॉपी करने के बाद दोस्तों आप फिर एडवर्ड पर जाओ, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप जिस भी वीडियो का कंपेन लगाना चाहते हो उस वीडियो का आपने यहाँ पर लिंक पेस्ट कर दिया। यहाँ पर दो ऑप्शन मिल आते हैं, स्किपेबल ऐड लगाना चाहते हो कि इनफीड लगाना चाहते हो। स्किपेबल क्या दोस्तों, जो आप स्टार्टिंग में आप देख सकते हो यहाँ पे स्किप करने का ऑप्शन आता है, 5 सेकंड बाद स्किप हो जाता है, अगर ये वाला ऐड लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, बट इससे कोई आपको फायदा मिलेगा नहीं, ठीक है। तो आप ये वाला ऐड लगाया करो, इनफीड वाला ऐड, ठीक है ना, ये लगाया करो। इससे क्या है दोस्तों कि आपका कोई भी ये जो टॉपिक है सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाए सर्च करेगा दोस्तों, जो हमने यहाँ पे कीवर्ड लिख रखा है ना, ये कीवर्ड कोई भी लोग सर्च करेंगे ना तो हमारी वीडियो यहाँ पे शो करेगा, वो भी सबसे ऊपर शो करेगा, जैसे आपको मैंने दिखा रखा था स्टार्टिंग में, सबसे ऊपर शो करेगा। सबसे ऊपर क्यों शो करेगा, कैसे शो करेगा, ये भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इन फीड वाला सेलेक्ट करिएगा तब आपका वीडियो सर्च में आएगा, ठीक। अब दोस्तों यहाँ पर आता है हेडलाइंस, ये हेडलाइंस क्या होता है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पर हेडलाइंस आपको शो करेगा, जैसे मान लो हेडलाइंस हमने यहाँ पर लिख देते हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया एक दिन में सब्सक्राइबर, अब हमने अगर ये लिखा है ना
तो देख सकते हो यहाँ पर लिखा रहा है एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर, बट कोई वीडियो को ओपन करेगा तो अंदर जो टाइटल लिखे रहेंगे वही टाइटल शो करेगा, बट जब ये ऐड शो करेगा पूरा ऐड बन के तो यहाँ पर एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर शो करेगा। ठीक है, इस तरीके से आप जो चाहो यहाँ पर आप लिख सकते हो, 100 वर्ड आपको यहाँ पर मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन टू में दोस्तों आप जो चाहो भी लिख सकते हो, अपने वीडियो के बारे में लिख सकते हो, अपने चैनल का नाम लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ये अपने हिसाब से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन टू में दोस्तों आप जो भी चाहो अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ से ये सब दोस्तों आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, इसे वीडियो के अंदर रहता है, लेकिन मेन जो हेडलाइन है आपको ये दिखता है, तो थोड़ा अट्रैक्टिव हेडलाइन आप यहाँ पर लिखिएगा ताकि लोग आपका वीडियो को ओपन करें। ठीक है, कोई भी लोग सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं से रिलेटेड कुछ भी अगर कोई सर्च करता है, आपका वीडियो शो करेगा और यहाँ पर लिखा रहेगा एक दिन में 1000 सब्सक्राइबर कैसे पूरा करें, तो लोग आपका वीडियो ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह कुछ अट्रैक्टिव सा लिखेगा हेडलाइन में। यहाँ पर हेडलाइन में दोस्तों कभी भी आप कोई बड़ी कंपनी का नाम मत लिखेगा, लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन लोगों का नाम मत लिखेगा वरना आपका कंपेन चलेगा ही नहीं। अब यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक लास्ट ऑप्शन मिलेगा बिड लिखा हुआ, ठीक है ना, मैक्सिमम CPV बिड यहाँ पर लिखा हुआ है, मतलब आप एक व्यू का कितना रुपये देना चाहते हैं आप यहाँ अपने हिसाब से यहाँ पर बिड सेट कर सकते हो, 10 पैसा, 20 पैसा, कितना देना चाहते हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। बट यहाँ पर एडवर्ड आपको खुद रिकमेंड कर रहा है कि 0.54 अगर आप रखते हो एक व्यूज़ का, तकरीबन 54 पैसा अगर आप रखते हो, 54 पैसा रखते हो, तो आपको यहाँ पर एक व्यूज़ मिल जाएगा 54 पैसे के अंदर। ठीक है ना, ये आपको खुद ही एडवर्ड आपको कह रहा है। ठीक है, अगर आप इसको कम करना चाहते हो तो आप इसको कम भी कर सकते हो, जैसे मान लो अगर आप ये जो फ्रिक्वेंसी लगा रखा था ना कि एक बंदे को एक बार ही बस दिखे यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर इसको भी हटा दोगे कि एक बंदे को 10 बार दिखा सकते हो, बंदे को 20 बार दिखा सकते हो, अगर आप इसको कट कर दोगे तो आपके ये जो पैसे हैं CPV, आपके जो बीडिंग का जो अमाउंट है ये और भी कम भी हो सकता है, तो आप चाहो तो इसको बंद कर दीजिएगा, आपका ये अमाउंट जो है ये घट जाएगा। तो जो यहाँ पर आपको एडवर्ड शो कर रहा ना, आप इसको पहले अप्लाई पर क्लिक कर दो और आप यही ले लो जो आपको ये बता रहा है, इतने में आपका ऐड चलेगा, कंफर्म ऐड चलेगा। ठीक है, बट आप इससे कम करना चाहते हो तो आप दोस्तों एक और भी काम कर सकते हो। आप क्या करना, आप पहले यहां पर सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के बाद यहां पर क्रिएट कैंपेन पे आप क्लिक कर देना। जब क्रिएट कैंपेन पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये कैंपेन जो है पूरा रेडी हो गया। ठीक है, अब यहां पर लिखा है कंटिन्यू टू कैंपेन, अब ध्यान से देखिएगा कि आप और कैसे पैसे को कम कर सकते हो। बट अभी आपका कंपेन जो है चलना स्टार्ट नहीं होगा, अभी ये गया गूगल के पास, अब ये तकरीबन 12 घंटे से लेकर 24 घंटा तक इसमें टाइम लगेगा, आपका ये अप्रूव करेंगे वो लोग, देखेंगे कि अगर आप ये सब कुछ सही तरीके से कंपेन आपने लगा रखा होगा, बिल्कुल जेन्युइन वीडियो होगा, सब कुछ आपने सही तरीके से लिखा होगा, तब आपका कंपेन चलना शुरू हो जाएगा। अगर आपका कंपेन चल रहा है दोस्तों, तो आप देख सकते हो आपको कितना व्यूज़ मिल रहा है, आपका एवरेज CPV कितना आ रहा है, सब कुछ आपको यहाँ पर शो करेगा। अगर आपका एड्स चलने लगता है, आपको सब कुछ यहाँ पर शो करने लगता है, तब दोस्तों आप यहाँ पर आना और आप यहाँ पर क्लिक करके आपका जो भी CPV है दोस्तों आप इसको कम कर देना, आप इसको 30 पैसा कर लेना। अगर 30 पैसे में अगर आपका कंपेन चल रहा होगा, चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं, चलने देना। ठीक है, और भी कम कर सकते हो, अगर चलने लगा तो आप आकर इसको और भी कम कर लेना, 20 पैसा कर लेना। ठीक है ना, इस तरीके से दोस्तों आप इसको घटाते रहना, 20 पैसा कर लेना। अगर 20 पैसे में भी चल रहा है तो और अच्छी बात है दोस्तों, आप इसको चाहो तो और भी कम कर सकते हो, आप इसको आकर यहाँ पर 10 पैसा कर लीजिएगा। 10 पैसे में भी चल रहा है तो अच्छी बात है दोस्तों, आप इसको कम कर सकते हो। बट अगर आपका कंपेन यहाँ पर रुक जाता है तो दोस्तों आप इसको CPV को एडिट करके आप इसको इंक्रीज कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप काम करना 100% दोस्तों, आपका जितना भी यहाँ पर जो भी आपके जो पैसे कट रहे होंगे पहले, जितना भी आपकी बिडिंग लगा रखे होंगे उससे कम आपके यहाँ पर पैसे कटेंगे। बट हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो सबसे ऊपर आपका वीडियो शो करें तो उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर पैसे थोड़े ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं। यहाँ जो एडवर्ड ने रिकमेंड किया था 0.54, अगर आप उतना खर्च कर दोगे दोस्तों एक व्यूज़ का, अगर आप तकरीबन 54 पैसा अगर आप दे देते हो तो आपका वीडियो वहाँ पर टॉप पे शो करेगा। अगर कोई सर्च करेगा तो कभी आपका वीडियो शो करता है, कभी किसी और का वीडियो शो कर जाएगा, फिर किसी और बंदे को आपका वीडियो शो कर जाएगा। इसी तरीके दोस्तों अल्टरनेट नंबर पर आपका वीडियो शो करता रहता है। ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस, इसी तरीके से अपने वीडियो का कंपेन लगा सकते हो और अपने वीडियो को आप खुद ही YouTube पर प्रमोट कर सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप ये पूरा वीडियो देखकर सब कुछ समझ चुके होंगे कि किस तरीके से अपने वीडियो को प्रमोट करना है, किस तरीके से कम पैसों में ज्यादा व्यूज मिलता है, किस तरीके से अपने वीडियो को किसी स्पेसिफिक कीवर्ड पर रैंक कराना है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बट दोस्तों हो सकता है कि अभी तक आपने गूगल एडवर्ड अकाउंट ना बनाया हो, तो दोस्तों घबराने की बात नहीं है, यहां पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा। ठीक है, इस वीडियो पे क्लिक करके और जाके देखो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में बता रखा है कि आप अपने मोबाइल फोन से ही गूगल एडवर्ड अकाउंट कैसे बना सकते हो सिर्फ 2 मिनट के अंदर। तो दोस्तों यहां पर क्लिक करके इस वीडियो को देख लो, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा। मिलता हूं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।